अस्सलामुअलैकुम क्लास, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेसन्स डिस्कस करने लगे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हमने जो लेसन डिस्कस किया था, जिसका नाम था पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद का हमने लास्ट टाइम पार्ट वन डिस्कस किया था और उसका पार्ट टू डिस्कस करना बाकी था। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो पाकिस्तान जिंदाबाद लेसन है, उस फर्स्ट ईयर के लेसन में पाकिस्तान जिंदाबाद के अंदर दो पार्ट हैं चैप्टर के, पार्ट वन और पार्ट टू। तो लास्ट टाइम जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी, तो हमने पार्ट वन आपको सिखाया था, रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन की थी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद पार्ट टू डिस्कस कर रहे हैं, यानी उसी लेसन का दूसरा हिस्सा जो किताब में लिखा हुआ है, वो सेकंड वाला पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम अपने टॉपिक की बात करें तो रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन पार्ट टू है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन पार्ट वन की थी। तो आज हम रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे, पार्ट टू करेंगे, और लेसन का दूसरा हिस्सा आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर में जो पार्ट वन जो पार्ट था पाकिस्तान जिंदाबाद का, जो पार्ट वन पार्ट था, उसके अंदर हमने आपको पहले बताया था, क्योंकि एक्सप्लेन भी किया था कि उसके अंदर जो मामलात थे वो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के हालात थे। यानी पार्ट वन में डिस्कस किया गया था कि पाकिस्तान बनने के बाद जो हालात पेश आए थे उसके बारे में, और आज जो हम पार्ट टू डिस्कस करने लगे हैं उसके अंदर डिस्कस किया जाएगा बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान बनने के पहले हालात के, पाकिस्तान मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, इसके अलावा पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया गया था, पाकिस्तान का नाम कैसे रखा गया था, किन लफ्ज़ों को सिलेक्ट करके पाकिस्तान का नाम रखा गया था, प्लस इसके अलावा कायदे आजम और गांधी के हवाले से एक मीटिंग हुई थी 3 वीक्स की, वो इसमें डिस्कस की जाएगी। और मज़ीद अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बनने से पहले कायदे आजम ने जो है वो लोगों से क्या कहा था, ठीक है ना, वो जो लफ्ज़ है ना कि थिंक बिफोर 100 टाइम्स, के कायदे ने कहा था कि 100 दफ़ा सोच लिया जाए कोई भी फैसला करने से पहले, क्योंकि जब करारदादे पाकिस्तान लेके जा रहे थे तो उससे पहले कायदे आजम ने कहा था कि 100 टाइम्स सोच लिया जाए कि अगर एक दफ़ा हम आगे बढ़ गए तो फिर हम पीछे नहीं हट सकते, ठीक है ना। तो ये वाली बात हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान बनने से पहले और जो मजीद मामलात थे, ठीक है ना, वो भी उसमें डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से इलाके पाकिस्तान के हिस्से में आने थे और किस बिना पर पाकिस्तान को बनाया जाना था, ये सारे मामला हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके अलावा कायदे आजम की डेथ के हवाले से डिस्कशन की जाएगी कि उनके जो इंतकाल था वो किन हालात में हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान बनने के वक्त जो है वो माइग्रेशन का क्या सिलसिला हुआ, ठीक है ना, कितने हिंदूज जो है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए, कितने मुस्लिम्स जो है हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान आ गए। तो ये सारे ओवरऑल बातें की जाएंगी। फिर आखिर में एट द एंड जो है वो कायदे आजम की जब वफात हुई थी तो वो वाले हालात डिस्कस करेंगे। तो पूरा जायजा लेते हैं, हम स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट टू, रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन, जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद की थी, लेसन का भी पार्ट टू है और हमारे लेक्चर का भी पार्ट टू है। तो लेट्स हैव अ लुक। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद हमारा चैप्टर था, जैसा कि आप देख भी सकते हैं ये स्लाइड के ऊपर, फर्स्ट ईयर इंग्लिश चैप्टर पाकिस्तान जिंदाबाद, रिटन बाय जॉन वॉल्टन। और आप जानते हैं इसका जो पार्ट वन था, रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन पार्ट वन, ये तो हम पढ़ चुके थे, सही है ना। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका रीडिंग विद पार्ट टू, सही है ना। और आप जानते हैं ये पार्ट वन की जो स्लाइड है ये हम आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल के अंदर, ठीक है ना, जिसमें हमने आपको बताया था कि बिफोर द पार्ट वन के अंदर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो हालात थे वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए थे। आज हमने जो प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना है वो ये करना है, जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद का पार्ट टू है और जिसके अंदर पाकिस्तान बनने से पहले के बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ इवेंट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं, जैसा कि पाकिस्तान की रेजोल्यूशन कब मंजूर हुई, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, किस सन में तजवीज़ किया गया, वो कौन से एरियाज थे जो पाकिस्तान में शामिल किए गए थे, इंक्लूड किए गए थे। इसी तरह से मज़ीद कुछ बातें हैं जिसमें कायदे आज़म के हवाले से बात की जाएगी, उनके एड्रेस के हवाले से बात की जाएगी और उन्होंने क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान बनाने से पहले जो है वो कह लें प्रिपेयर करवाई थी, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या क्या मामलात हमारे साथ पेश आए एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, वो बातें डिस्कस की जाएंगी, क्या स्ट्रगल थी वो डिस्कस किया जाएगा आज के चैप्टर में। और इसके अलावा वो जो हमने आपको बताया था कि गांधी और कायदम की मीटिंग हुई थी वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन ने जो कॉन्स्पिरेसी की थी पाकिस्तान के खिलाफ वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और कौन कौन से एरियाज इसमें इंक्लूड करने थे, ठीक है जी।
ये तमाम बातें जो है आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो हम आते हैं अपने पार्ट टू वाली स्लाइड के ऊपर जो आज हमने बेसिक डिस्कस करनी है। ठीक है जी, तो हम मूव करते हैं वापस अपनी पार्ट टू पर। देखिए जी, आज हमारा ये पॉइंट है कि बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पार्ट टू जो है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है, इन मार्च 1940 मुस्लिम लीग द रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डिसाइडेड इन लाहौर दैट सब कॉन्टिनेंट शुड बी डिवाइडेड इंटू टू सॉवरन कंट्रीज। यानी कि आप ये जानते हैं कि मार्च 1940 अब वो वक्त था जब मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेटिव जमात थी जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि कांग्रेस के बाद बनाई गई थी, क्योंकि कांग्रेस जो थी उसमें ज़्यादा मेजोरिटी जो है वो हिंदूज की थी और अंग्रेज़ उसमें थे, मुसलमान माइनॉरिटी में थे। और वो जो ऑल इंडिया जो कांग्रेस थी उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी, जिसके बदले में फिर मुसलमानों ने अपनी एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम रखा गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी थी ये तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी थी, क्योंकि जाहिर सी बात तब तो पाकिस्तान बना नहीं था, तो पूरे हिंदुस्तान के जितने मुसलमान थे उनकी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1940 में डिसाइड किया था लाहौर में दैट सब कॉन्टिनेंट शुड बी डिवाइडेड इंटू टू सॉवरन कंट्रीज़, कि ये जो एक सब कॉन्टिनेंट हिंद है इसको डिवाइड किया जाना चाहिए, दो अलग अलग सॉवरन कंट्रीज़ के अंदर दो खुद मुख्तार रियासतें बनानी चाहिए, ठीक है ना। और ये वजह आप जानते हैं सब लोग के ये दो अलग रियासतें बनाने की वजह क्यों पेश आई, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले जो मूवमेंट चल रही थी उसके अंदर सिर्फ ये मूवमेंट थी कि अंग्रेज़ों को भगाना है हिंदुस्तान से। लेकिन आप जानते हैं कि जब अंग्रेज़ों के भगाने की बात थी तो सारे मुस्लिम्स और हिंदूज जो हैं वो एक साथ होकर फाइट कर रहे थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों को रियलाइज़ हुआ कि अगर हम ब्रिटिश इंडिया से आज़ाद हो भी जाते हैं, ठीक है ना, तब भी हम ग़ुलाम ही रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो बस चेंज ऑफ मास्टर होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के हाथ में से लगाम हमारी छूटेगी और फिर हिंदूज के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर भी अगर हम बात करें हिंदुस्तान के हवाले से तो पाकिस्तान बनने से पहले जो टोटल सब कॉन्टिनेंट हिंद था वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 400 मिलियन की पॉपुलेशन थी। तो 400 मिलियन में से 300 मिलियन कौन थे, वो हिंदूज और दूसरे मजाहिब के लोग थे, और मुसलमानों की जो तादाद थी वो सिर्फ 100 मिलियन थी। तो जाहिर सी बात है मुसलमानों के लिए एक बड़ा सोचने का मुकाम था कि अगर अंग्रेज़ चले भी जाते हैं और पाकिस्तान हिंदुस्तान आज़ाद हो भी जाता है तो क्या मुसलमान आज़ाद हो पाएंगे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, और इसी क्वेश्चन मार्क के मुनासबत से 1940 में 23 मार्च को एक करारदाद पेश की गई थी जो कि लाहौर में पेश की गई थी, जिसमें यह मुतालबा रखा गया था कि हिंदुस्तान जो है वो शुड बी डिवाइडेड इंटू टू सॉवरन कंट्रीज़। ठीक है जी, फिर आगे लिखते हैं क्या, ड्यू टू दैट डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग एंड रेजोल्यूशन वाज कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन। आप ही जानते हैं कि जाहिर सी बात है मुसलमानों ने मूवमेंट तो करना शुरू कर दी थी अलहदा वतन की, लेकिन 23 मार्च 1940 वो टाइम था जब मुसलमानों ने प्रॉपर तौर पर अलहदा वतन का मुतालबा कर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो मुतालबा एक्सेप्ट हो भी गया था। यानी अगर ऑफिशियली देखा जाए तो ओरिजिनली या ओरिजिन देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान जो बना है वो बना है 23 मार्च 1940 को, क्योंकि जाहिर सी बात है हम नक्शे पर आ गए थे, इसके अलावा जो है ना पाकिस्तान को एक अलग वतन तस्लीम कर लिया गया था। तो बताया जा रहा है कि जो डिमांड थी अलहदा वतन की, तो कह रहे हैं इस डिमांड के नतीजे में हुआ क्या, पाकिस्तान वजूद में आया था, ठीक है ना, और रेजोल्यूशन हमारी पास हो गई थी। तो आप ही जानते हैं स्टार्टिंग के अंदर ये जो रेजोल्यूशन थी ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने, जब हिंदुस्तान था पूरा का पूरा, तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ने इस खबर को छापा था, किस नाम से उन्होंने छापा था इस खबर को, किस नाम से, रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, यानी पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से इसको छापा गया था, ठीक है ना। अब बाद में इसको करारदादे लाहौर कहना शुरू कर दिया गया था। तो ऑफिशियली ये देखा जाए तो इसको अंग्रेज़ अखबार ने जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से पब्लिश किया था। तो हम दोनों ही नाम से जानते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ करारदादे लाहौर भी कहते हैं इसको, करारदादे पाकिस्तान भी कहते हैं, करारदादे मकासिद भी कहते हैं, ठीक है जी। बहर फिर लिखते हैं, द वर्ड पाकिस्तान वॉज इन्वेंटेड बाय चौधरी रहमत अली 1933। थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, ये 1993 नहीं है बल्कि 1933 है, ठीक है जी। अभी इसको करेक्ट कर देते हैं हम यहीं के यहीं,
हाँ जी, तो ये करेक्शन कर दिया मैंने हाथ का इसके अंदर. तो द वर्ड पाकिस्तान वॉज इन्वेंटेड बाय चौधरी रहमत अली इन 1933. तो आप ही जानते हैं कि जो लफ्ज़ पाकिस्तान है वो बनाया था, तजवीज़ किया था, अखज़ किया था, तहरीर किया था, क्रिएट किया था चौधरी रहमत अली ने. और किस सन में क्रिएट किया था? 1933 में क्रिएट किया था ये नाम पाकिस्तान का जो लफ्ज़ था वो 1933 में ये बनाया गया था. लफ्ज़ पाकिस्तान जो है वो चौधरी रहमत अली ने 1933 में तजवीज़ किया था. और जो लफ्ज़ पाकिस्तान है वो कितनी लैंग्वेजेस से कम्बिनेशन देखकर लिखा हुआ है? फ्रॉम टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, यानी दो मुख्तलिफ ज़बानों से लफ्ज़ पाकिस्तान को बनाया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था. और वो जो दो डिफरेंट वर्ड थे वो कौन से थे? उर्दू एंड पर्शियन. यानी लफ्ज़ पाकिस्तान जो है वो उर्दू ज़बान से और फ़ारसी ज़बान से मिलाकर बनाया गया है. तो ये याद रखने वाली बात है, पेपर में एमसीक्यूज़ में ही पूछा जाता है कि पाकिस्तान जब बना तो वो तो 23 मार्च 1940 था, रेजोल्यूशन जो मंजूर हुई थी. फिर उसके बाद नाम किस तजवीज़ किया? तो चौधरी रहमत अली ने किया. और किस सन में किया? तो 1933 में किया. और कितनी ज़बानों का कम्बिनेशन है लफ्ज़ पाकिस्तान? तो वो दो लैंग्वेज का कम्बिनेशन है, उर्दू और फ़ारसी का. फिर आप जानते हैं कि अगर हम चौधरी रहमत अली के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें तो लिखा हुआ ही वॉज स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज, यानी एक बहुत बेहतरीन तालिबे इल्म थे, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स थे ये. फिर लिखा हुआ ही टुक लेटर्स ऑफ वर्ड पाकिस्तान फ्रॉम द नेम्स ऑफ मुस्लिम टेरिटरीज, यानी कि लफ्ज़ पाकिस्तान को बनाया कैसे गया. असल में लफ्ज़ पाकिस्तान को बनाने में जितने भी अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल हुआ, जितने भी लेटर्स का इस्तेमाल हुआ, वो कहाँ से लाए गए? वो उन तमाम मुस्लिम टेरिटरीज़ को मिलाया गया. क्योंकि आप जानते हैं जब पाकिस्तान की बात की जा रही थी तो हमारी डिमांड क्या थी? कायदे ने कहा था कि वेयर देयर वर मोर मुस्लिम्स देन हिंदूज़, यानी जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, जिन इलाकों में, जिन सूबों में, जिन सिटीज़ के अंदर मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा है, वो तमाम एरियाज़ मिलाकर क्या बनाया जाएगा? पाकिस्तान बनाया जाएगा. तो आप ही जानते हैं वो जितने इलाके जो पाकिस्तान में इंक्लूड कराने की बात की जा रही थी, तो आप जानते हैं कि हर इलाके में से एक एक अल्फ़ाबेट जो है वो पाकिस्तान वर्ड में शामिल किया गया. जैसे पाकिस्तान की स्पेलिंग है पी, यानी पाकिस्तान की स्पेलिंग में सबसे पहले आता है पी, तो पी फॉर कहा गया था पंजाब. फिर ए फॉर अफगानिस्तान, फिर के फॉर कश्मीर, आई फॉर ईरान, एस फॉर सिंध. और जब सिंध की बात आती है तो इंक्लूडिंग कच्छ एंड काठियावाड़, ये दो एरियाज भी उसमें इंक्लूडेड थे. फिर उसके बाद टी फॉर तुखरिस्तान, ए फॉर अफगानिया, और फिर एन फॉर था नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है जी, एंड बलूचिस्तान. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये पाकिस्तान की स्पेलिंग में बी तो आता नहीं, चले पी आता है, पी फॉर पंजाब हो गया, ए फॉर अफगानिस्तान हो गया, के फॉर कश्मीर हो गया, आई फॉर ईरान हो गया. अब आपके तहफ़ात ये होंगे, सर अफगानिस्तान तो पाकिस्तान में है ही नहीं, ईरान तो पाकिस्तान में है ही नहीं, अफगानिया तो पाकिस्तान में है ही नहीं, सही है ना. और पाकिस्तान में बलूचिस्तान तो है लेकिन पाकिस्तान की स्पेलिंग में बी तो आता ही नहीं है. तो असल में जब नाम आ रहा है ना ईरान का, तो ईरान का मतलब है वो तमाम एरियाज़ जो इस पट्टी पर वाक़ हैं, जिसमें हमारा बलूचिस्तान जो है वो इस इलाके पे वाक़ है, ठीक है. ऐसे जो अफ़गानिस्तान और अफगानिया की बात कर रहे हैं, ये वो एरियाज़ हैं जो हमारे कबायली एरियाज़ हैं, या जो हमारा फाटा का इलाका है, या जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं जो हमारे केपीके के साइड पे लगते हैं, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ लगते हैं, ये उन एरियाज़ को मिलाकर जो है बात की. जैसे इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आता है, ठीक है ना. ये सारी वो किनारे के जो हमारे बॉर्डर्स के एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, जहाँ पर मुसलमानों की तादाद थी, तो ये तमाम एरियाज़ मिलाकर क्या बनाया गया था? पाकिस्तान. जैसे फर्स्ट कर लें आप, जब पाकिस्तान बना तब तो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा जो है बांग्लादेश भी था, सही ना. लेकिन इसमें देखा बांग्लादेश का नाम नहीं है. और हालांकि देखा जाए तो सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा जो है वो बंगाल ही था. यानी इस वक्त सबसे बड़ी आबादी पंजाब की है, लेकिन उस टाइम सबसे बड़ी आबादी पाकिस्तान के अंदर जो बांग्लादेश था, जो बंगाल सूबा था हमारा, उसकी आबादी थी, ठीक है ना. तो बताने का मकसद ये, जो पाकिस्तान बनाया गया था वो इस तरह से बनाया गया था कि जितने भी इलाके, जितनी भी टेरिटरीज जो हैं, जो मुस्लिम टेरिटरीज थी, जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी, मेजॉरिटी थी, उन इलाकों को मिलाकर पाकिस्तान बनाया था. और उन्हीं इलाकों के नाम में से जो पहले पहले लेटर्स थे हर हर वर्ड के, वो ज्वाइन करके एक बहुत खूबसूरत सा नाम तजवीज़ किया गया था, जिसको कहा जाता है पाकिस्तान. और पाकिस्तान का अगर मतलब पूछा जाए तो लोग फौरन है ना नारा लगा देंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. भाई ये तो नारा है, पाकिस्तान का मतलब क्या है? लव्स पाकिस्तान का, व्हाट डज पाकिस्तान मीन?
पाकिस्तान का मतलब क्या, देखें लिखा हुआ अभी लास्ट लाइन के अंदर कि पाकिस्तान मीन्स द लैंड ऑफ प्योर एंड क्लीन, यानी कि बिल्कुल पाक ज़मीन, बिल्कुल प्योर ज़मीन, बिल्कुल क्लीन ज़मीन, सही है ना। तो इस तरह के मीनिंग को कहा जाता है पाकिस्तान, क्योंकि पाक का मतलब तो पाकीज़ा होता है, प्योर होता है, क्लीन होता है, और तान से मुराद क्या है कि ज़मीन, यानी पाक ज़मीन, प्योर ज़मीन, सही है ना, क्लीन ज़मीन, सही है। तो इस तरह से प्योरिटी के सेंस में जो है वो कहा जाता है। तो होपफुली आपको ये वाला पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब हम आपको अगला स्लाइड दिखा देते हैं, ये वही पार्ट टू चल रहा है। अब इसमें थोड़ी सी हम बात करेंगे किसके हवाले से, कि कायदे आज़म जो है उनके हवाले थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कायदे आज़म टुक हिज आइडिया टू द पीपल, ही टूअर्ड एवरी पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड एड्रेस लार्ज गैदरिंग्स। अब देखें हुआ क्या, कह रहे कि द कायद टुक हिज आइडिया टू द पीपल, यानी कायद आज़म ने अपने तमाम ख्यालात, अपने तमाम नज़रियात, तमाम जो उनकी फीलिंग्स थी पाकिस्तान बनाने के बारे में, वो लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, लोगों को प्रोवोक किया, लोगों को बेदार किया, सही ना। ही टूअर्ड एवरी पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी पूरे हिंदुस्तान में वो चप्पे चप्पे पे गए, जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, चाहे मेजोरिटी थी चाहे माइनॉरिटी थी, हर जगह कायदम जाके लोगों को थोड़ा अवेयरनेस दी, एंड एड्रेस लार्ज गैदरिंग, बड़े बड़े जुलूसों से और मजमों से जो है कायदम ने खिताब किया और लोगों को पैगाम पहुँचाया कि पाकिस्तान बनाना कितना ज़रूरी है और पाकिस्तान होना चाहिए, हर मुसलमान का हक है कि उसके लिए एक सॉवरेन कंट्री होनी चाहिए। ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन। आप ये जानते हैं कि कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अखबार भी जो है वो पब्लिश कराया था, क्योंकि उससे पहले डॉन न्यूज़पेपर से पहले मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए कोई अखबार नहीं था। इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत सारे थे, हिंदी न्यूज़पेपर बहुत सारे थे, लेकिन मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव न्यूज़पेपर कोई भी नहीं था। तो कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अखबार जो है वो पब्लिश कराया था, जिसको फाउंडेशन रखी थी उन्होंने, जिसका नाम था डॉन न्यूज़पेपर। पिलकवर इन दिस वे ही वॉन ओवर द मेजोरिटी ऑफ पीपल फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और कहा जा रहा है इसी तरीके से डिफरेंट जगहों पर जाकर लोगों को खिताब करते थे, लोगों को समझाते थे, लोग उनकी वैल्यू समझाते थे। तो कहा जा रहा है इसी तरीके से ही वॉन ओवर द मेजोरिटी ऑफ पीपल, कायदे आज़म ने तमाम मुसलमानों के दिलों को जीत लिया था और तमाम मुसलमानों को रियलाइज़ हो चला था कि हाँ वाकई के मुसलमानों के लिए क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान कितनी ज़रूरी है, यानी पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान की तकमील कितनी ज़रूरी है। तो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मुसलमानों की मेजोरिटी जो थी वो मुसलमान कायदे आज़म के साथ हो चली थी। फिर लिखा हुआ है, दो ही वॉज beloved leader of Muslims, but a few people were against him. They were with Hindus and British secretary. One of them, Rafiq Sabir, attacked him with knife, but he survived, although his health was not in good condition, but he continued his struggle for the achievement of his goal. कहा यह जा रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं, दो ही वॉज बिलव्ड लीडर, हालांकि हम जानते हैं तकरीबन मुसलमानों के बेहतरीन लीडर कौन थे, वो कायदे आज़म थे, लेकिन बट अ फ्यू पीपल वर अगेंस्ट हिम, कुछ लोग जो हैं उसमें जाहिर सी बात है वो कायदम के ख़िलाफ़ भी थे। जैसे कि आप जानते हैं एक नाम था, क्या उनका नाम था, एक वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, ठीक है ना। सबके अपने नज़रियात होते हैं, खैर ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये है कि बहरहाल मुसलमान की जो मेजोरिटी थी वो कायदे आज़म के साथ थी, लेकिन कुछ लोग जो थे वर अगेंस्ट हिम, वो कायदे आज़म के मुखालिफ थे, जैसे कि दे वर विद हिंदूज एंड ब्रिटिश सेक्रेटरी, सीक्रेटली वन ऑफ देम। और कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लियाकत सॉरी हिंदुओं के साथ मिले हुए थे और अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे और खुफिया तौर पे मिले हुए थे, बज़ाहिर ऐसा लगता था कि वो मुसलमानों के साथ हैं, कायदे आज़म के साथ हैं, लेकिन सीक्रेटली वो जो है वो हिंदूज के साथ, ब्रिटिश साथ मिले हुए थे, जिसमें से एक नाम जो है लिखा हुआ है सीक्रेटली वन ऑफ देम रफीक साबिर, ये एक बंदे थे, कह रहे अटैक्ड हिम विद नाइफ, और इन्होंने कायदे आज़म के ऊपर छुरी से जो है हमला किया था, अटैक किया था, बट ही सर्वाइव, लेकिन कायदे आज़म अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो महफूज रहे थे, कोई इतना ज़्यादा उनको तकलीफ नहीं आई थी। फिर लिखा हुआ ऑल दो हिज हेल्थ वॉज नॉट इन गुड कंडीशन, लेकिन आप जानते हैं कायदे आज़म तो
वैसे भी बीमारी का शिकार थे, कायदम को टीबी थी, सही है ना, और इसी वजह से उनकी सेहत भी बहुत ख़राब थी, लेकिन कभी भी कायदम ने किसी को पता लगने नहीं दिया कि वो इतने बीमार हैं। यहाँ तक कि वो अपने जो डॉक्टर्स थे उनके, वो उनको भी यही कहते थे कि आपने कभी इस बीमारी का किसी जिक्र नहीं करना, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई फ़ायदा उठाता ना उठाता, जो अंग्रेज़ थे, जो वहाँ पर जो मुसलमानों के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसीज कर रहे थे, वो यकीनन इस बात का फ़ायदा उठाते कि कायदम तो इतने शदीद बीमार है, तो यकीनन हो सकता है अगर कायदम की बीमारी का पता चल जाता उन लोगों को, तो यकीनन वो पाकिस्तान बनाने में और डिले करते और मसाइल पैदा करते, और वो इंतज़ार करते कि कब कायदे आज़म जो है वो इंतकाल कर जाएं, ताकि ये पाकिस्तान का जो है वो कॉन्सेप्ट ही रह जाए। लेकिन कायदे आज़म ने कभी किसी को अपनी बीमारी के बारे में पता चलने नहीं दिया, और हमेशा अपनी स्ट्रगल को उन्होंने जारी रखा, और कब तक जारी रखा, अचीवमेंट ऑफ इस गोल, जब तक उन्होंने पाकिस्तान हासिल नहीं कर लिया तब तक कायदे आज़म ने कभी भी पीछे नहीं हटे, कभी गिव अप नहीं किया, हमेशा आगे बढ़ते रहे और कोशिश करते रहे, एफर्ट्स करते रहे। ठीक है जी, तो होपफुली आपको ये वाला पेज भी समझ में आया होगा। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और ये स्लाइड क्या कह रही है देखते हैं। देखिए जी, इसके अंदर जिक्र आ रहा है पाकिस्तान बनने से पहले गांधी और कायदे आज़म की एक मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग में क्या हालात हुए थे, क्या वाकयात हुए थे, हम आपको बताते हैं। कह रहे गांधी एंड कायदे आज़म मेट फॉर 3 वीक्स ऑफ टॉक्स इन लास्ट एफर्ट टू रीच एन एग्रीमेंट फॉर यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया, बट देयर टॉक्स वर फेल्ड। कहा जा रहा है कि कायदे आज़म और गांधी जो हैं, इन्होंने 3 हफ्ते तक डायलॉग किए थे, सही है ना, कोशिश की जा रही थी कि कोई एग्रीमेंट तय पा जाए मुसलमानों के लिए और हिंदूज़ के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कायदे आज़म तो फेवर में थे कि अलग वतन बनाया जाए मुसलमानों के लिए, जबकि गांधी जो थे वो कायदे आज़म की बातों के ख़िलाफ़ थे, और वो हमेशा ये बोलते थे कि क्या आपका मतलब ये है कि आप हमारा जो है ना वो हिंदुस्तान तोड़ना चाहते हैं, है ना, गिराना चाहते हैं। तो कायदे आज़म हमेशा यही कहा करते थे कि भाई हम कोई कुछ तोड़ना नहीं चाहते, हमारी तो डिमांड सिर्फ क्या है कि हम ये चाहते हैं कि वेयर देयर वर मोर मुस्लिम देन हिंदूज, जिन एरियाज में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है उन इलाकों को मिलाकर क्या बना दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि 3 हफ्ते की डिस्कशन के बावजूद वो मीटिंग जो है वो बेकार रही थी, फेल रही थी। और इसके अलावा एक बड़ी अहम बात जो इस मीटिंग के हवाले से थी, वो बड़ी अहम बात है, बताना बड़ा ज़रूरी है, कि कायदे आज़म और गांधी की जब मीटिंग हुई तो दोनों एक जगह जमा हुए, तो ऑफिशियली जब दो लीडरान जमा होते हैं तो एक प्रॉपर वे में इक्वलिटी की बेस पर बैठा जाता है, लेकिन आप जानते हैं कायदे आज़म जो है वो चेयर पर बैठे हुए थे और गांधी जो थे वो ज़मीन पर फर्श पर बैठे हुए थे, सही है ना। अब सवाल ये कि सर ऐसा क्यों, क्या कुर्सी नहीं थी वहाँ पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुर्सियाँ थीं, लेकिन गांधी जो है वो हमेशा से उन्होंने ये गेस्चर दिया है कि वो बड़े सिंपल थे और बड़ा वो जो है ना, बल्कि बहुत ग्राउंड टू अर्थ समझते थे अपने आप को, कि भाई वो कहते थे भाई ठीक है हम ज़मीन पर बैठेंगे, हम इतने सादे हैं। बहरहाल वो उनका अपना ज़ाती फैसला था, लेकिन कायदे आज़म प्रॉपर तरीके से अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, बड़े डिग्निफाइड अंदाजे बैठे हुए थे, जबकि गांधी जो है वो ज़मीन पर बैठे हुए थे, और इनकी डिस्कशन चलती रही, लेकिन वो डिस्कशन फेलियर का शिकार रही, कोई नतीजा तय नहीं पाया, कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। बट जिन्हें टोल्ड गांधी दैट इंडिया मस्ट बी पार्टीशन इनटू 2 नेशंस, कायदे आज़म ने गांधी से कहा कि हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है इसमें रहने वाले लोग एक नहीं है, बल्कि ये 2 डिफरेंट नेशंस हैं। व्हेन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इवन फर्दर डिस्कशन बोर नो फ्रूट, लेकिन आप ही जानते हैं कि उस टाइम भी 3 हफ्ते की मुलाकात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आप जानते हैं कि 1939 के अंदर कायदे आज़म जो है वो हमेशा से एफर्ट में लगे रहे थे, 1939 के अंदर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, ब्रिटिश इंडिया जो थी, जो ब्रिटिश इंडियन फोर्स थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गए थे, और वहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी, और सिविल वॉर के नतीजे में बहुत सारे हिंदू लीडर जो थे, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन मुसलमान जो थे, जाहिर सी बात है कायदे आज़म ने और मुस्लिम्स ने ये कह लें कि हिमायत की थी ब्रिटिश इंडिया की, ब्रिटिशर्स की, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है हम उनके खिलाफ नहीं थे, जबकि हिंदूज़ ने जो है उनकी खिलाफत की थी, जिसकी वजह से सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे, और अंग्रेज़ों ने हिंदू लीडर्स को जो है वो अरेस्ट कर दिया जेल में, और मुसलमान चूँकि सपोर्ट में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिश का साथ दे रहे थे, ठीक है ना, तो इसी वजह से मुस्लिम लीडर्स को इतना परेशान नहीं किया गया था। और वही वक्त था जब कायदे आज़म ने जो है ना वो डॉन न्यूज़पेपर जो है पब्लिश किया था, बड़ा अच्छा मौका मिला था कायदे आज़म को, टाइम मिल गया था, ठीक है ना। दोबारा
बताने का मकसद ये है कि डिस्कशन सब बेकार रही थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर से पहले ही बहुत सारी डिस्कशंस हुई, वर्ल्ड वॉर के बाद भी बहुत सारी डिस्कशंस हुई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। फिर लिखा हुआ, ब्रिटेन डिक्लेयर दैट शी वुड गिव सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया एंड क्विट द सी। कहा यह जा रहा है कि ब्रिटिश इंडिया ने फाइनल डिक्लेरेशन दे दी थी, ऐलान कर दिया था कि भाई ठीक है हम जो है हम हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले जब ये बात हो रही थी हिंदुस्तान से छोड़ कर जाने की अंग्रेज़ों की, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन था उसने पहले जो तारीख दी थी उसने कहा था कि हम जून 1948 को यहाँ से जाएंगे, जिस पर बड़ी मुजाहमत हुई थी, जब से बड़ा शोर शराबा हुआ था। तो फिर अंग्रेज़ों ने अपनी डेट को चेंज किया था और उन्होंने कहा था ठीक है हम 15 अगस्त 1947 को यहाँ से चले जाएंगे, वरना इनका जो ख्याल था ये जाने कब का था, ये जून 1948 में जाने का प्राइम बना के बैठे हुए थे। लेकिन बहरहाल मुजाहमत की गई थी और इनको जल्दी भगाया गया था वहाँ से। फिर कहा जा रहा है क्या कि सेल्फ गवर्नमेंट दी गई थी मुसलमानों के लिए, ऐलान कर दिया गया था कि भाई हिंदुस्तान अलग हो जाएगा, पाकिस्तान अलग बन जाएगा। और फिर कहते हैं फाइनली इन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो सेंट एज लास्ट वायसराय, आखिरी वायसराय भेजा गया था। 1947 में तो नहीं आया था, खैर उससे पहले आया था, 1943 में आ गया था ये, ठीक है जी। तो फिर लिखा हुआ ही अग्रीड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड अग्रीड टू लीव दिस कंट्री बाय अगस्त 15, 1947। देखिए जैसे मैंने बताया था आपको, पहले अंग्रेज चाहते थे कि हम जून 1948 में हिंदुस्तान छोड़ के जाएं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा था ठीक है भाई हम पार्टीशन कर रहे हैं, क्योंकि साइड में सेकंड वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी, 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बड़े कन्फ्यूज थे कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ें या हिंदुस्तान की या सिविल वॉर लड़ें, तो वो बड़ा कन्फ्यूज थे। तो उन्होंने फौरन फैसला किया कि हम जो है हिंदुस्तान छोड़कर 15 अगस्त 1947 को चले जाएंगे और पूरी सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम को सौंप दी जाएगी। फिर कहा जा रहा है बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम्स मुस्लिम लीग अग्रीड टू द प्लान, और मुसलमानों ने भी फिर एग्री कर लिया था, यानी मुस्लिम लीग ने भी एग्री कर लिया था, और जो कांग्रेस थी उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो भी अंग्रेज़ों की बात को ओके करें। तो फिर कहा जा रहा है द NWFP बलूचिस्तान सिंध वेस्ट पंजाब ईस्ट बंगाल वोटेड फॉर पाकिस्तान। इन तमाम इलाकों को क्या किया गया, पाकिस्तान का नाम दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की मेजोरिटी थी, ठीक है, विच हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ 70 मिलियन। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी, आपको पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ, पाकिस्तान को जो है पार्टीशन किया गया, तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी जो है वो 70 मिलियन यानी 7 करोड़ थी। फिर कहा जाता है कि 40 मिलियन मुस्लिम्स वर लेफ्ट इन इंडिया। आप जानते हैं मुसलमान तो बहुत सारे आना चाहते थे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पाकिस्तान आना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे हालात ऐसे हो गए थे, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स ऐसी हो गई थी, कुछ मारामारी हो गई थी। आप जानते हैं 500,000 मुस्लिम्स वर किल्ड उस सेपरेशन के दौरान, 500,000 मुसलमान यानी 500,000 मुसलमानों को मारा गया था। और कुछ किताबों में ये भी लिखा गया कि 2 मिलियन मुस्लिम्स वर किल्ड, तकरीबन 2,000,000 मुसलमान मारे गए थे। लेकिन हमारी फर्स्ट ईयर की बुक के पाकिस्तान जबाद लेसन में लिखा हुआ है कि 500,000 मुस्लिम्स वर किल्ड, तकरीबन 500,000 मुसलमान जो है वो शहीद किए गए थे, यानी 500,000 मुसलमानों को शहीद किया गया था। और आप ये जानते हैं कि पार्टीशन के वक्त 70 मिलियन मुस्लिम तो पाकिस्तान में थे, बाकी 40 मिलियन मुस्लिम जो है वर लेफ्ट इन इंडिया, वो बेचारे कहाँ रह गए थे, वो हिंदुस्तान में ही रह गए थे, जो आज बेचारे बड़ी मुश्किलात का शिकार है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है 40 मिलियन मुस्लिम जो है वो हिंदुस्तान में ही रह गए थे, 40 मिलियन का मतलब है तकरीबन 4 करोड़ मुसलमान, सही है ना। तो 70 मिलियन मुस्लिम पाकिस्तान में थे यानी 7 करोड़, और तकरीबन 40 मिलियन मुस्लिम जो हिंदुस्तान में रह गए थे यानी कि तकरीबन 4 करोड़। फिर लिखा हुआ एट लास्ट पाकिस्तान एंड इंडिया केम इनटू बीइंग एज टू सेपरेट स्टेट। और फाइनली फिर क्या हुआ था, माइग्रेशन हुई थी, सेपरेशन हुआ था, जो मुसलमान वहाँ से यहाँ आना चाहते थे वो पाकिस्तान में आ गए थे, जो हिंदू जो है पाकिस्तान से जाना चाहते थे वो वहाँ चले गए थे। तो इस तरीके से फाइनली 2 सेपरेट कौमें बन गई थी, 2 अलग मुल्क बन गए थे, ठीक है जी। तो आगे देखते हैं नई पॉइंट की बात। अच्छा, एक और बात मैं बता चलूँ आपको कि जब ये सारा मामला हो रहा था, सेपरेशन चल रही थी, तो बड़े मसाइल पेश आए थे, बड़े कुर्बानियाँ दी गई थी, बड़े बहुत जाने यानी कहने कत्ल गारतगरी हुई थी वहाँ पे। तो हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट ईयर वॉज टेरिबल। अक्सर पेपर में सवाल भी आता है कि पाकिस्तान के पहले साल के बारे में बताएं कैसा था वो पहला साल। तो बहुत टेरिबल ईयर था, बहुत परेशानियों भरा वो साल था। 500,000 इंडियन मुस्लिम्स वर ईदर किल्ड और इम्प्रिजेंट, तकरीबन 500,000 मुसलमानों को मार दिया गया था, शहीद कर दिया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है
जब पाकिस्तान बनाने की पहले बात हुई थी उसके अंदर यूपी जो है, जो आजकल भारत में है, जिसको हम यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश जिसे कहते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। इस तरीके से हैदराबाद दक्कन था, ठीक है ना, बहुत सारे एरियाज़ और भी थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बनने थे, लेकिन आखिर में जो कॉन्स्पिरेसी की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से, उसकी वजह से कत्लो गारतगरी स्टार्ट हो गई थी और बहुत सारे जो एरियाज थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बनने चाहिए थे वो नहीं बन सके थे। और ये एक वजह ये भी है कि चूंकि हम जानते हैं यूपी जो स्टेट है इस टाइम जो भारत में है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा थी, वो भी मतलब डिमांडिंग थी, तो ज़्यादातर मुसलमान जो थे जो हिंदुस्तान के थे वो यूपी में आके स्टे कर गए थे कि उनको पता था कि ये तो यूपी तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा तो वो यूपी में ही रहेंगे। लेकिन जब बाद में पता चला कि अंग्रेज़ों ने और जो कांग्रेस थे उन लोगों ने मिलकर जो है ना कॉन्स्पिरेसी की है पाकिस्तान के खिलाफ, और यूपी भी किसको दे दिया गया है, हिंदुस्तान को दे दिया गया, उत्तर प्रदेश, तो फिर जाहिर सी बात है वो मुसलमान जो पाकिस्तान आना चाहते थे तो फिर उन्होंने यूपी को भी छोड़ा, सही है ना, और फिर वो जब वहाँ से माइग्रेट करके आ रहे थे तो फिर उन्हें रास्ते में क्या किया गया, शहीद किया गया। तो 5 मिलियन मुसलमान, सॉरी हाफ अ मिलियन मुस्लिम जो है मारे गए, नहीं 5 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया। कहा जा रहा है कि जो लोग बाहिफाजत हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुँच सके जो मुसलमान, तो उनकी तादाद थी 6.5 मिलियन मुस्लिम लेफ्ट देयर होम्स इन इंडिया, यानी तकरीबन 65 लाख मुसलमानों ने अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने घर, अपने कारोबार सब कुछ छोड़ा सिर्फ पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने हिंदुस्तान को खैरबाद किया, पाकिस्तान को वेलकम किया और बेसर्वसामानी की हालत में पाकिस्तान की तरफ मूव करा, और 65 लाख मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान से कहाँ आ गए थे, पाकिस्तान आ गए थे अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान के लिए। फिर कहा जा रहा है कि लेफ्ट देयर होम्स इन इंडिया एंड माइग्रेट टू पाकिस्तान, यानी तकरीबन 65 लाख मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे, एंड 5.5 मिलियन हिंदूज लेफ्ट देयर होम्स इन पाकिस्तान, तकरीबन 55 लाख जो हिंदूज थे वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे हिंदुस्तान एंड माइग्रेट टू इंडिया, इंडिया शिफ्ट हो गए थे वो लोग, ठीक है ना, क्योंकि देखो ना उस टाइम तो सबको ऑप्शन था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान बना था जिन एरियाज में तो वहाँ पे हिंदू भी आबाद थे, जैसे कराची की बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे हिंदू आबाद थे, तो वो जो थे वो छोड़कर जो है वो हिंदुस्तान चले गए थे, और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम जो थे जो हिंदुस्तान में आबाद थे जो कि इस आस में थे कि शायद यूपी को जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन जब नहीं बनाया गया तो फिर उनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा और फिर वो पाकिस्तान में आए। तो जितने मुसलमान आए वो 65 लाख थे और जो यहाँ से हिंदू चले गए वो तकरीबन 55 लाख हिंदूज वर माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक है जी। फिर लिखते हैं कायद आजम वॉज शॉक्ड एट दीज हैपनिंग्स। आप जानते हैं कि जब ये मुसलमानों को मारा जा रहा था और लड़ाई झगड़े हो रहे थे और खून बहाया जा रहा था लोगों का, तो वो सब देख के कायद आजम बड़े शॉक्ड हुए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान बनाना जो था ना वो इस लेवल पे नहीं बनना था कि मारा मारी हो ये सब कुछ, बल्कि कायद आजम तो बड़े नज़रियाती थे, वो तो बड़े आइडियोलॉजिकल थे और उन्होंने नज़रियाती बात की हमेशा, कभी उन्होंने जो है रेसिज्म की बात नहीं की, नस्ल परस्ती की बात नहीं की उन्होंने। लेकिन बहरहाल जब ये सब कुछ हो रहा था, मारा मारी हुई थी, कायद आजम बहुत शॉक्ड हुए थे कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बहरहाल डिस्पाइट दिस ही एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टूवर्ड्स इंडिया। मुसलमानों को इतना शहीद किया गया, इतना कुछ जुल्म किया गया, उसके बावजूद भी कायद आज़म ने हिंदुस्तान की तरफ जो है वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और ये कहा था कि हो सकता है कि देखें लिखा हुआ भी है कि डिस्पाइट दिस ही एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टूवर्ड्स इंडिया विद व्यू दैट एनिमी ऑफ टुडे मे बी फ्रेंड ऑफ टुमारो। यानी कायद आजम ने कहा था कि हो सकता है आज का दुश्मन हमारा कल का दोस्त बन जाए, तो इसीलिए उस वक्त जो भी कुछ हुआ उसको जो है बर्दाश्त किया गया और जो पाकिस्तान मिला वो हमने एक्सेप्ट किया। बहुत सारा हिस्सा नहीं दिया गया पाकिस्तान के, बहुत सारे एरियाज पे कब्जा कर लिया गया था ब्रिटिश की तरफ से, हिंदूज की तरफ से, इंडिया की तरफ से, ठीक है ना। तो बहरहाल सेंस बताने का ये है कि ये हमारा आज का जो है चैप्टर था, ठीक है ना। मज़ीद आगे की बात करते हैं तो यहाँ तक होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं बिल्कुल आखिरी अय्याम की, जब कायद आजम जो है वो देखिए लास्ट हमारा पेज है ये जिसमें कायद आजम के आखिरी अय्याम की बात की जा रही है जब पाकिस्तान बन चुका था। तो कह रहे हैं नाउ कायद आजम्स एज वॉज ओवर 70। अब कायद आजम की एज तकरीबन 70 साल हो चुकी थी, पाकिस्तान बन चुका था, जैसा भी सही जितना भी सही पाकिस्तान मिल चुका था, लगा शुक्र था, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अब कायद आजम की एज तकरीबन 70 साल हो गई थी। ही वॉज इल एंड टायर्ड, बहुत बीमार थे, बहुत थक चुके थे, ज़िंदगी भर की एफर्ट थी उनकी। द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ वॉज मेड सैड बाय द फेट ऑफ कश्मीर।
आप जानते हैं ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में उनको एक और बैड न्यूज़ मिली, और वो बैड न्यूज़ क्या थी कि जो कश्मीर था जो कि पाकिस्तान का के था, सही ना, कहते हैं कि वो जो है बदकिस्मती का शिकार हुआ था, और हिंदू महाराजा था एक हरी सिंह डोगर, उसने जो है लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कराई थी, और इसके नतीजे में जो हमारा कश्मीर था जो के था वो कब्ज़ा कर लिया गया था। तो देखिए लिखा हुआ भी है कि मेड सैड बाय द फेट ऑफ कश्मीर द के ऑफ पाकिस्तान, यानी आखिरी अय्याम में कायदान को एक और बैड न्यूज़ मिली कश्मीर के हवाले से, अगेंस्ट द विश एंड विल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। आप जानते हैं हालांकि कश्मीर के लोग जो थे उनकी ये ख्वाहिश नहीं थी, हिंदुस्तान के साथ रहने की उनकी ख्वाहिश कभी भी नहीं थी, बल्कि वो हमेशा से अलहदा सेपरेट रहना चाहते थे, लेकिन आप जानते हैं कि वहाँ का एक महाराजा था जिसका नाम था हरी सिंह डोगर, वॉज टेकिंग देम अवे फ्रॉम पाकिस्तान। उसने क्या किया था, उसने उस कश्मीर के ऊपर जो है फोर्सेज उतरवा दी थी बोर्ड इसकी लॉर्ड माउंटबेटन की मदद की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन चाहता था, जो कि उसने कायदे से भी कहा था कि वो पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनना चाहता था, लेकिन कायदे ने उसको इनकार कर दिया था, लेकिन आप जानते हैं हिंदुस्तान ने उसे लॉर्ड माउंटबेटन को अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया था, और अगर आप तारीख भी पढ़ें तो उनका जो पहला सदर या शायद गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन ही था हिंदुस्तान का। तो पाकिस्तान ने तो इनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, कायदे ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, तो इसी वजह से आखिरी धचका जो दिया गया पाकिस्तान को वो कश्मीर के हवाले से था, और वो जो हरी सिंह डोगर था उसकी वजह से वो कश्मीर हमसे दूर कर दिया गया, पाकिस्तान से दूर कर दिया गया। बहुत बड़ा शौक था पाकिस्तान के लिए, कायदे आदम के लिए, लेकिन अब कायदे आदम की एज हो चुकी थी 70, ज़्यादा एज हो चुकी थी, बीमारी बहुत थे, तो अब उनमें मज़ीद फाइट करने की हिम्मत नहीं थी। तो देखिए लिखा हुआ भी है द ग्रेट लीडर वॉज फोर वीक टू फाइट मोर, अब वो इतने शदीद कमज़ोर हो चुके थे कि अब उनमें मज़ीद फाइट करने की हिम्मत नहीं थी। ही फ्लू बैक कराची, आप जानते हैं बीमारी की हालत में वो वापस आए थे, कराची आए थे, बट देयर वर नो क्राउड्स टू ग्रीट हिम, लेकिन हमेशा से हमारी जो आदत रही है कि हम जो है अपने बेहतरीन लोगों को भूल जाते हैं, ठीक है ना, और वही हुआ कि यही कायदे आज़म थे जो कि जब कराची आए थे 7 अगस्त 1947 को, तो कहा जाता है कराची में उनको वेलकम करने के लिए ग्रेट सी ऑफ द पीपल, यानी लोगों का एक समंदर मौजूद था जो कायदे आज़म को वेलकम करने आया था, लेकिन वही कायदे आज़म जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में एक बार फिर कराची आए, पाकिस्तान आए, वापस लौट कर आए, सही ना, कराची शहर आए और यहाँ पर लैंड हुए, तो कहा जा रहा है इस बार उनको वेलकम करने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान बन गया था, लोगों को अब कोई ख्याल ही नहीं था, पाकिस्तान तो बन गया, पाकिस्तान हासिल हो गया, अब कायदे आज़म कौन और हम कौन हैं। तो बहरहाल कायदे आज़म जब वापस कराची आए तो उनको वेलकम करने के लिए एक बंदा भी वहाँ मौजूद नहीं था, तो ये एक बड़ा अलमिया था, एक बड़ी सैड सी बात है ये। बहरहाल That night he left his people, फिर एक रात ऐसी हुई कि कायदे आज़म का इंतकाल हुआ और वो अपने लोगों को छोड़ के चले गए, एंड वॉज बरीड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, और फिर उनको दफनाया गया कराची में, यानी कि इस शहर के सेंटर में वेयर ही वॉज बॉर्न, क्योंकि कायदे आज़म पैदा भी कराची में हुए थे और उनको दफनाया भी कराची में किया गया, तो कराची में उनको सेंटर ऑफ कराची के अंदर जो है वो दफन किया गया। अभी तो कराची का सेंटर कुछ और ही बन चुका है, सही है ना, लेकिन उस वक्त कायदे आज़म का जहाँ मदार है वहाँ पर वही कराची का सेंटर कहलाता था। तो बहरहाल ये था हमारा लेसन पाकिस्तान जिंदाबाद, होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मज़ीद एक बात ये कि हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तमाम नोट्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ जाएगा चैनल्स की, और उसी वेबसाइट के ऊपर हमने ऑनलाइन टेस्ट भी रखती हैं, जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद का भी आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे के अलावा फर्स्ट ईयर के नोट्स मौजूद हैं, सेकंड ईयर के नोट्स मौजूद हैं, सेकंड ईयर के एमसीक्यू टेस्ट मौजूद हैं ऑनलाइन, और फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट मौजूद हैं, तो आप लोग वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं। काउंट्स रिवेंज के फर्स्ट ईयर के काउंट्स रिवेंज प्ले के ऑनलाइन टेस्ट मौजूद हैं वहाँ पे एमसीक्यूज के, आप वो वहाँ से कह लें कि टेस्ट दे सकते हैं। और चैनल का लिंक जो है, सॉरी, वेबसाइट का लिंक आपको चैनल के जो जो वीडियो है इसके नीचे नज़र आ जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है जी, तो अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।